हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 9:22 हो रहा है। मैं 7:30 बजे उठ चुकी हूँ। 7:30 बजे से रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ और बेड पे ही हूँ। अब उठूँगी, जाऊँगी, आगे की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर मैं अभी 5 मिनट और नहीं उठी ना, अब पक्का मैं मम्मी से गाली सुनूंगी। मम्मी बस देख रही है कि मैं कब उठूँगी। तो गेस करो कि मैं क्या पी रही हूँ। उसको अगले वीडियो में शॉर्ट आउट। ये देखो, क्याची का सब्जी बन रहा है। कटहल, अरे यार 3 दिन से कटहल कटहल कटहल। चावल भी बन गया है, दल कद्दू दाल। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं सुबह उठी उठी और फिर बस एक शरबत पी और उसके बाद फिर मैं सो गई। और अभी 3 बजे उठ रही हूँ, ना मैं ब्रश की, ना मैं नहाई, ना मैं खाना खाई। क्या हो रहा है, मेरे को इतना नींद क्यों आ रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब जा रही हूँ ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, खाना खाऊँगी। फाइनली मेरा ना पार्सल आ चुका है स्लेट पेंसिल वाला। सोच रही हूँ व्लॉग में डाल दूँ या फिर अनबॉक्सिंग वीडियो अलग से। अलग से डालूंगे। आप लोग को याद है मैं एक इयररिंग्स मंगाई थी, एक नई पेयर मंगाई थी 32 इयररिंग्स का। मेरा सब भुला गया यार, पता नहीं ये कौन सा आदत है। डेली एक चेंज करती हूँ, डेली खुल के गिर जाता है। और यहाँ पे ना भैया और भाभी इंजॉय कर रहे हैं अपना, क्या बोलूँ, हनीमून। लाइक शिमला गए हैं और शिमला मनाली बोल के तो शिमला गए थे, फिर मनाली का स्टेटस डाला हुआ था और उन्होंने मुझे वीडियो भेजा। ये देखो कितना ज़्यादा इन्जॉय करे, नज़र ना लगे। तो उन्हीं का मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि वो तो वीडियोस बनाते नहीं है, YT पे है नहीं वो। तो मैं ना उनको बोली कि अलग अलग जगह जाओगे ना आप तो वीडियो ज़रूर शूट करना ताकि मैं दिखा पाऊँ। सो गाइस, अभी बनेगा दाल का पकौड़ी। और मेरे पापा ना मेरी मम्मी की बहुत हेल्प करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। कभी भी किचन में आ जाएंगे, बोलेंगे लाओ कुछ करना है, वो अलग बात है कि वो बिगाड़ देते हैं करने से ज़्यादा। लाइक मोस्टली बॉयज़ ऐसे ही करते हैं, बट फिर भी मदद करने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और ये हमारा खरगोश भी देख रहा था कि एक्चुअली बन क्या रहा है भाई, इतना अच्छा महक आ रहा है। हो गया का। और फिर हम लोग सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे, मैं, रिया, ईशा, मुस्कान, सब लोग एक जगह पे। तो प्लान बना ना कि चलो मोमोज लेकर के आते हैं। तो हम लोग चले गए मोमोज लाने के लिए, मेरा फेवरेट फ्राइड मोमोज। बट रास्ते में फील्ड में ये पपीज मिल गए और मेरे पास बिस्किट था नहीं क्योंकि ये दुकान के पास नहीं, मेरे फील्ड में आ गए हैं पीछा करते करते।
मेरी ही तरह इसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब मैं तो फिर भी चलो फिल्टर में आ जाती हूँ, ये तो बोलती है नहीं भाई फिल्टर लगाने पर भी मैं नहीं आऊँगी, बोलती है नहीं मैं अच्छी नहीं दिखूँगी, ये वो मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मतलब रेडी नहीं हुई हूँ तो मैं ऐसे ही वीडियोस। तो मैं बोली कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो ना फिल्टर में सब अच्छे लगते हैं। और फिर जा रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था, और फ्राइड मोमोज नहीं मिला क्योंकि टाइम लगता बहुत ज़्यादा, रात भी हो गया था, 8:30 बजे हम लोग निकले थे, इसलिए ना स्टीम मोमोज ही आज खा ली। वैसे मुझे स्टीम मोमोज उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी खा ली, और चुपके से मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वो एक्चुअली अपने कॉल पर लगी हुई थी और उसे पता नहीं चल रहा था, तो मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मोमोज के बाद मुझे इतना ज़्यादा प्यास लग गया ना, लेकिन पानी बाहर वाला मैं पीती नहीं हूँ, ठंडा भी था नहीं, तो गई और आइसक्रीम लेकर के आई, इसके लिए और एक मेरे लिए। और जब घर आई तो देखी कि पकौड़ी बन चुका था, बट मुझे आलू वाला पसंद है इसलिए मैं आलू वाला ढूंढ रही थी। प्याज और पत्ता गोभी का उतना ज़्यादा पसंद क्या, पसंद ही नहीं है मेरे को। देखो यहाँ पे ना मैं अपना स्टॉक रखती थी, मतलब बहुत पहले क्या, बस ऐसे ही रख देती थी, लेकिन अब ये हो चुका है गंदा, मैं जा रही हूँ अब नहीं रखती हूँ यहाँ पे मैं, बस ये बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो जा रही हूँ ये सबको मैं फेंकूँगी, हटाऊँगी और फिर से इसको अच्छे से साफ करके मैं अपना पुराना वाला, मतलब नया वाला स्टॉक रखूँगी, ठीक है। क्या बोल रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना।